हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है। तो मेरी दिन की शुरुआत कुछ ऐसी होती है, जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ तब सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहा कर पूजा कर लेती हूँ, फिर जल्दी से टिफ़िन वगैरह खाने की तैयारी मेरी होती है। तो देख सकते हो आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, आज अच्छी खासी धूप भी निकली है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख सकते हो। तो आज संडे है तो ओम और ओम के पापा सो रहे हैं, तो बस अभी मैं उनके लिए अभी नाश्ता बनाने वाली हूँ। तो चलो आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ आप सबको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। ओम को पास्ता खाना था तो इसलिए आज मैं पास्ता बना रही हूँ, क्योंकि आज संडे भी है और रोज़ तो रोटी सब्जी ही देती हूँ टिफ़िन में, यह सब कुछ नहीं देती हूँ। तो उसको जो भी खाना होता है मैं संडे को ही बना देती हूँ। संडे के दिन मैं बहुत सारा काम करके रख देती हूँ, जैसे कि अभी ये इतने सारे लहसुन मैंने छील दिए हैं, तो मैं इसका पेस्ट बना के रख देती हूँ ताकि मुझे हफ्ता भर हो जाता है। तो जैसे सुबह बहुत जल्दी जल्दी खाना वगैरह बनाना पड़ता है, बहुत सारा काम होता है, टाइम नहीं मिलता है, ओम स्कूल जाता है, उसके पापा ऑफिस जाते हैं, तो सुबह सुबह चले जाते हैं दोनों, फिर मुझे घर का सारा काम मैं करती हूँ, उसके बाद मैं ओम को लाने के लिए जाती हूँ स्कूल में। तो सारा दिन मेरा भाग दौड़ी वाला होता है, घर का काम करती हूँ, बाहर से सब्जी कुछ भी काम होता है तो मैं ही करती हूँ, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता है। तो इस तरह मैं पेस्ट बनाकर रख देती हूँ तो बहुत ही आसान हो जाता है और ये अच्छा खासा चल जाता है बहुत दिनों तक। मुझे तो इतना हफ्ता भर चल जाता है, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है। और मैं इसे एक कांच के जार में रख देती हूँ तो ये बहुत अच्छे से रहता है, मैं प्लास्टिक में नहीं रखती हूँ। और आप भी अगर इस तरह रखते हो तो एक कांच के जार में ही रखिएगा। यहाँ पर लियो को देख सकते हो कितना अच्छे से बैठा है टेबल के नीचे छुपकर, और बहुत ही क्यूट लग रहा है। और इसने बहुत बदमाशी की है, बहुत सारी चीज़ें नीचे गिरा कर रखी है और अभी थक चुका है तो यहाँ पर बैठ गया है। तो अभी फ़िलहाल मैं मार्केट जा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट होता है संडे को, तो मैं थोड़ा सब्जी वगैरह लाने के लिए जा रही हूँ और ओम उसके पापा के साथ बाहर गया है।
अच्छी होती है, देख सकते हो। यहाँ पर बहुत ही अच्छे सब्जी मिल जाते हैं, एकदम फ्रेश होते हैं, और मैंने सब्जी वगैरह ले लिया है। तो चलो अभी घर चलते हैं। तो यहाँ से मेरा घर बिल्कुल नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं पैदल ही चली जाती हूँ सब्जी लाने। तो चलो देखते हैं मैंने क्या क्या सब्जी लिया है। तो टमाटर मैंने धो दिए हैं, और इस टाइप के जो टमाटर होते हैं ना, इसकी चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमारे घर पर सबको पसंद है टमाटर की चटनी, तो किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अमरूद भी हमारे घर पर सबको पसंद है, तो मैं हमेशा लेकर आती हूँ। और बनाना मैं ज़्यादा नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि वो काले हो जाते हैं तो ओम नहीं खाता है, तो थोड़ा ही लेकर आती हूँ। नेक्स्ट जो मैंने लिया है ये मिर्ची, इसकी चटनी बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। और आलू प्याज वगैरह मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो इस तरह मैं नीचे एक पॉलीथीन लगा लेती हूँ, तो नीचे जो प्याज का जो कचरा वगैरह होता है वो नहीं गिरता है, और आलू मैं बीच में रखती हूँ। और यहाँ पर मैंने अरबी रखा है, तो आज मुझे मार्केट में अरबी मिल गया था तो मैंने ले लिया है, और इसकी भी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने एक मेरी फ्रेंड के घर गई थी, तो उनके घर पर मैं जब से इसकी सब्ज़ी खाई थी तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे जब भी मिल जाता है तो मैं लेकर आती हूँ। बाकी जो सब्जी फ्रूट वगैरह है वो घर पर है, तो बस मैं इतना ही लेकर आई हूँ, क्योंकि जब भी मैं ओम के स्कूल ओम को लेने के लिए जाती हूँ वहाँ पर भी सब्जी वगैरह मिल जाता है, फ्रूट वगैरह, तो मैं वहाँ से ताज़ा ताज़ा ही लाना पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लेकर आती हूँ। शिफ्ट कर रहे थे तब मनी प्लांट पूरा टूट चुका था, तो मुझे लगा नहीं था कि ये अच्छे से ग्रो करेगा, तो बहुत ही मतलब बड़ा हो चुका है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे घर का ना मुझे ये वाला कॉर्नर बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और बहुत ही अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।